आप ज्यादा इंटरेस्टेड किस में हैं? एक्टिंग का शौक रखती हैं या चाहती हैं कि कोई फिल्म करें, पाकिस्तान में कोई अपना एक नाम बनाए, या सिर्फ टिकटॉक की हद तक ही आपको जो है वो शौक है? नहीं, टिकटॉक का तो ऐसे शौक नहीं था कि कोई शौक हो, या अभी भी मेरा कोई शौक ही है नहीं। अच्छा, जस्ट फन के लिए, टाइम पास के लिए, और मतलब जब आप फ्री होते हो तो कुछ ना कुछ करने को। सही। वैसे एक्टिंग का शौक रखती हैं, कोई आगे फिल्म में या ड्रामा में कोई काम करने का शौक? वक्त के साथ साथ इंसान की सोच जो है चेंज होती रहती है, और इंसान जैसे वक्त तब्दील होते तो सोच भी होती है। अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा, नहीं सोचा इन दिनों में, इन हालात में कि मैंने एक्टिंग कर। तो ये क्या बात है कि सिर्फ सियासतदानों की ही बात आपके साथ चलती है? कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, कोई फोटोग्राफर, कोई इनसे कोई रब्ता क्यों नहीं आप करती कि आप जो है वो अच्छी शख्सियत हैं, आप मॉडलिंग भी कर सकती हैं, एक्टिंग में भी आ सकती हैं? नहीं, लाहौर कराची के ऑलमोस्ट इतने फेमस डायरेक्टर हैं जिनके साथ बड़ी बड़ी एक्ट्रेस काम कर रही हैं, सभी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। हाँ। जिनसे मिलना जुलना भी लगा रहते हैं, जिनके स्टूडियो भी जाती रहती है। अच्छा, कौन सी बड़ी बड़ी शख्सियत ऐसी हैं जिन्हें आपसे मिलने का शौक है, मर्द हजरात को छोड़ के, खवातीन की बात करूँ? जिनको मुझसे मिलने का शौक है। कौन सी ऐसी बड़ी शख्सियत जिन्हें आपसे मिलने का बहुत शौक हो, और उन्होंने आपको जो है वो कहा हो कि आप मुझसे जो है वो मिले, कोई ऐसी खातून? तो टिकटॉक पे खवातीन के हवाले से कमी होगी। मुझे अच्छा लगता है, नहीं मुझे अच्छा लगता है जब भी मुझे कोई वेल एजुकेटेड कॉन्टेक्ट करते हैं, लाइक जैसे डॉक्टर्स हों या काफी इस तरह के लोग हों। अच्छा, तो मुझे अच्छा। और ये पहली बात ये कि खवातीन जो है ना, वो खवातीन की पर्सनालिटी से थोड़ी सी मतलब कॉन्शियस भी होती हैं, इस वजह से भी जो है वो ये बात नहीं कर पाती। अगर उन्हें कोई पर्सनालिटी पसंद भी होती है तो भी नहीं उसको ये कह पाती कि हाँ भाई आप अच्छी लग रही हैं या क्या। लेकिन एक क्वालिटी होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों में तो होती है, कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, कोई अच्छा बंदा है या आप उसके साथ जो है वो अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट उसे बता दें। सिर्फ मर्द हजरात ही क्यों बताएं, लड़कियां भी तो बता दें। पब्लिक प्लेस पे बहुत सारी खवातीन आती हैं जो मेरी मतलब इनकरेज करती हैं, तारीफ अच्छा। करती हैं, और बहुत सारी उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों के साथ पिक ले लें या बच्चों को आप अच्छा। लेकिन पब्लिक प्लेस पे पब्लिक की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस मिलते हैं, और वो काफी नई बात हुई थी जब एक अवान में आपकी जो है वो टिकटॉक सामने आई, उस वक्त आपको बहुत सी धमकियां भी आती रही, आपके मसाइल भी रहे, वो बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे चलती भी रही, वो उन हालात को कैसे कवर किया एकदम? मुझे कभी भी किसी की तरफ से आज तक थ्रेट नहीं मसूल हुआ। अच्छा, तो जो आप सोशल मीडिया पे जो बातें, सोशल मीडिया पे सारे का सारा झूठ मतलब बातों अच्छा। को एग्जीजरेट किया गया और मतलब गलत बातें फैलाई गई, और मुझे आज तक कभी किसी ने थ्रेट नहीं किया, मुझे किसी की तरफ से कोई थ्रेट कोई नहीं आया किसी भी तरह। आपको आपसे कोई सवाल, कोई जवाब, कोई ब्लैकमेलिंग ना, थ्रेट ना, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अगर जो ये बातें बताई जा रही थी हुकूमत की तरफ से आ रही थी कि जी हरीम शाह को ने जो ये काम किया है, ये बिल्कुल गलत, और ये मतलब इस तरह की नेगेटिव बातें फैलाना और इस तरह की मतलब कंट्रोवर्शियल बातें फैलाना, ये पता नहीं लोग अपने फैम के लिए, टीआरपी हाँ। के लिए साथ तक गिर जाते हैं कि मतलब आप अगर किसी बात को पब्लिक तक पहुंचाते हैं तो हकायक के साथ मतलब हाँ, फिर आप उन्हीं बातों में खुद ही झूठे साबित हो जाते हो। आपकी की हुई बड़ी बड़ी बातें जो हैं हाँ। वो फिर वक्त पे साबित भी नहीं होती और आप खुद ही झूठे होते। तो हरीम, इसके इसका तो मतलब ये हुआ कि आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से भी जो बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हैं उनमें से तो फिर 80% झूठ ही होगा। बहुत कुछ झूठ के, हरीम शाह की बेटी होगी और फलां बच्चे की माँ और फलां की बीवी और ये भी झूठ है। इतना झूठ के मैं इंसानों को, हमें तो पता भी नहीं होता किसी के साथ मुंसलिक करके, किसी के साथ जोड़ के और उनके बच्चे भी वो, तो मतलब इस तरह की बातें करते हुए इंसान को शर्म आनी चाहिए कि हम किस तरह की बातें कर रहे हैं और मतलब इस तरह की झूठी बातें मेरे बारे में। जब आप पहली दफा वहाँ बैठ के वीडियो बना रही थी तो आपको ये पता था कि इसके नतीजे क्या निकलेंगे, ये इतनी बात जो है वो फैल जाएगी? उन्होंने तो मतलब जहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है, जिनकी परमिशन से बनाई है, उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, उनकी तरफ से कोई ऐसे आपने नहीं सुने होंगे कि उन्होंने आके कोई मुजाकरात की। अगर मीडिया की बात को छाल रहे तो वो मीडिया कहे देखे, वो उनका पर्सनल है। अगर हाँ वहाँ के कंसर्न बंदों में से कोई मीडिया पे आता है या कोई सामने आके फेस करता है या कोई बात करता है तो फिर मानने वाली बात है, और कोई थर्ड क्लास बंदा मतलब या कोई थर्ड पर्सन आके इस बारे में मतलब बात कर रहे और गुफ्तगू कर रहे और बात को एग्जैजरेट कर रहे तो हाँ, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? ऐसे बेवकूफों के साथ मेरे ख्याल में मुंह लगाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आपकी वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब के साथ भी बड़ी जो है वो तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पे, वो तो सच्ची है कि वो भी नहीं? मेरी बहुत दफा उनसे मुलाकात हुई है, मुझे इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री मेरे मतलब उनके साथ बैठने का, उनके साथ गुफ्तगू करने का, और स्पेशली इमरान खान के घर में गई हुई थी बनी गाला, तो उनसे मेरी मुलाकात बहुत दफा हुई है। ठीक है, और कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको आप समझती हैं कि सियासतदानों में अच्छी इंसान हैं, अच्छी शख्सियत हैं, और जिनके साथ बैठने में या टाइम स्पेंड करने में बंदा बोर नहीं होता?
कोई बोरियत वाली बात तो नहीं कर सकते उन्होंने क्या हमें एंटरटेन करने या एंटरटेनमेंट फिर भी एक होता है ना, एक कंपनी अच्छी होती है, एक कंपनी लेकिन ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के लिहाज से देखा जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब सही। उनकी क्या खासियत है? सरीना होटल में हमारी मुलाकात हुई थी एक कॉन्फ्रेंस, उसमें अच्छा। हमारे साथ काफी सारे लोग थे जो पीटीआई के थे अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने जो हमें लेक्चर दिया था तो काफी मतलब अच्छा लगा था मुझे, उनकी गुफ्तगू, उनकी कन्वर्सेशन, उनका स्टाइल मतलब बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, ग्रेसफुल बंदे की पर्सनैलिटी आपको अट्रैक्ट की है। और बाकी जो लोग है बस वो ठीक है, सो सब अपनी जगह, हर कोई अपनी जगह अच्छे है, हर किसी में कोई ना कोई खूबी। देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं होता, परफेक्शन अल्लाह ताला के साथ है। फयाज़ हुसैन चौहान के बारे में अगर पूछना उनकी पर्सनालिटी में क्या खास है? परफेक्शन की न की तो हर इंसान में कोई ना कोई वो होता है ना, अगर हम लोगों को देखें कि ये बिल्कुल परफेक्ट होगा ये इसमें सारी चीज़, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। दूसरों को उनकी गलतियों के साथ, उनकी कोताहियों के साथ आप एक्सेप्ट करो, आप लोगों के बारे में जजमेंटल मत हो कि ये ऐसा और ये। तो लोगों में चौहान साहब जो है वो अक्सर उकाती है, कहती है कि हरीन के साथ सिर्फ मेरी दुआ सलाम रही है अच्छे, इसके अलावा वो किसी ऐसी चीज का जिक्र जो है वो सामने नहीं आया कभी। आप बेहतर बता सकती हैं कि चौहान साहब जो है वो कैसी पर्सनालिटी है, किस तरह की शख्सियत है? और आप बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ये समझ लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने हैं और बहुत मेहमान नवाज है। जब हम उनके घर गए थे तो उन्होंने हमारी मतलब मेरी फ्रेंड भी थी तो हमारी मेहमान नवाजी की थी, लेकिन अच्छे इंसान है। जैसे वो मीडिया पे आते हैं या मीडिया पे उनका उससे कई गुना ज्यादा अच्छे हैं, अच्छा उससे कई गुना ज्यादा अच्छे हैं, रियल लाइफ में ज्यादा अच्छे। अच्छा बिल्कुल ठीक है, मतलब दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाले हैं। अच्छा और मीडिया पे तो हर एक इंसान का, मीडिया पे तो फिर जाहिर है अपोजिशन की बात नहीं बल्कि थोड़ा सा बंदा जिस बात, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। अच्छा।